हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने अपनी बुक द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी के अंतर्गत इस बात का जिक्र किया है कि इस ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को अट्रैक्ट करती है, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत स्टडी करते हैं या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंतर्गत जानते हैं, समझते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं और इसके यूनिट्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि जैसे दो बॉडी है, क्या है दो बॉडी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉडी ले लिया, इस बॉडी का मास क्या हो गया, m1 हो गया, क्या हो गया, m1 हो गया, और कुछ दूरी पर मैंने दूसरी बॉडी ले लिया, इस बॉडी का मास कितना हो गया, m2 हो गया, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, m2 हो गया, और ये मान लीजिए कुछ दूरी पर रखे गए हैं, कितने दूरी पर रखे गए हैं, मान लीजिए r दूरी पर ये दोनों बॉडी रख दिए गए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, ओके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, मतलब ये बॉडी इस बॉडी को खींचेगी तो ये बॉडी इसको खींचेगी तो ये बॉडी इसको खींचेगी, मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको मैं यहाँ एफ के रूप में शो कर दे रहा हूँ, ओके डियर स्टूडेंट। यहाँ वेक्टर एफ के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि एफ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ओके। तो न्यूटन जी ने ये बतलाया कि लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों बॉडी के मासेस के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों बॉडी का मास लिया, इसका मैंने प्रोडक्ट कर दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लगने वाला जो फोर्स है वह बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या डियर स्टूडेंट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये न्यूटन जी ने बताया बाय एक्सपेरिमेंट। अर्थात यदि हम दोनों कंडीशन को जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, कंबिनेशन ऑफ बोथ कंडीशन, माने दोनों कंडीशन को यदि हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या होता है, और यहां पर लिख सकते हैं कंबाइनिंग बोथ कंडीशन, ओके, कंबिनेशन ऑफ बोथ कंडीशंस, यदि हम दोनों कंडीशंस को ज्वाइन कर दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यदि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं तो हो जाएगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ओके। जब इसको हटाया जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट लग जाता है जी, तो ये बन जाता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां डियर स्टूडेंट जी क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, क्योंकि यहां प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने पर जो है हमको जी मिला है, जिसको हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं या जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसी का दूसरा नाम मैं लिख दे रहा हूं, इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है, ओके। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यदि हम फार्मूला प्राप्त करें डियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि यदि हम जी का फार्मूला प्राप्त करेंगे तो जी इक्वल टू यहां हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, मतलब ये जी का एक्चुअल हमारा फार्मूला प्राप्त हो गया, ओके डियर स्टूडेंट, ये हमको जी का एक्चुअल फार्मूला प्राप्त हो गया। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यूनिट क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, जिसे मैंने मान लीजिए जी को डिफाइन करना है, व्हाट इज जी, यदि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज कैपिटल जी, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप क्या रिप्लाई करेंगे, कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता क्या, इसको आप डिफाइन करें, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो आप क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लेट कर देते हैं, लेट करते हैं मतलब जो दोनों बॉडी के मासिस हैं m1 और m2,
ओके, इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, यूनिट मास कर देते हैं। क्या कर देते हैं डियर स्टूडेंट, इनको हम यूनिट मास कर देते हैं, अर्थात ये वन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वन मान लेते हैं। और बीच की जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, उस डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एक मीटर मान लेते हैं, इसको भी यूनिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यूनिट कर देते हैं। ओके, मतलब दोनों कंडीशन यदि यूनिट की कंडीशन में अप्लाई होगी, तो यूनिट कंडीशन में अप्लाई होने से डियर स्टूडेंट, मतलब इन दोनों को यदि मैं यहाँ पे पुट कर दूं डियर स्टूडेंट, तो ये फार्मूला हमारा हो जाता है g इजकल टू कैपिटल F हो जाता है। ओके, क्योंकि देखिए ये भी वन, ए भी वन, ए भी वन, कैंसिल पूरा, सिर्फ g इजकल टू F प्राप्त होगा। तो डिफिनेशन कैसे देंगे कि दो यूनिट मासेस ओके, एक मीटर की दूरी पर या यूनिट डिस्टेंस पर दूरी स्थित रहने पर, फिर से बता रहा हूं, दो यूनिट मासेस यूनिट डिस्टेंस पर स्थित रहने पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ओके, दो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस पर स्थित रहने पर, यदि रहने पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं, वही कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, अब बात यह होती है कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ जी की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ जी, आर मैं बोल सकता है यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी, यूनिट्स मैंने इसलिए लिखा डियर स्टूडेंट, यहां पर हम एसआई सिस्टम में भी निकालेंगे और सीजीएस सिस्टम में भी निकालेंगे। ओके, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एसआई सिस्टम में देखेंगे, फिर किस में देखेंगे हम, सीजीएस में देखेंगे, इन सीजीएस सिस्टम, दोनों सिस्टम में हम देखते हैं कि कैपिटल जी की यूनिट्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, फार्मूला आपको यहाँ पर प्राप्त है, इसी फार्मूला के बेस पे बना सकते हैं। जी का हमको निकालना है क्या, यूनिट निकालना है, तो फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है, डिस्टेंस का क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी को सीजीएस में करेंगे तो न्यूटन की जगह डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हमारा डाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डाइन, और मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर की स्क्वायर, और किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम का स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपने यूनिट प्राप्त कर लिया, बहुत ही आसान है। अब हम डायमेंशनल फार्मूला को भी देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो यहीं पर डियर स्टूडेंट हम देख लेते हैं, आई थिंक आपको आसान लगेगा, अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। यहीं पर मैं आपको डायमेंशनल फार्मूला भी डियर स्टूडेंट बतला दे रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी, क्या डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी। ओके, डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला डियर स्टूडेंट निकालना है, तो देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, mLt^-2। ओके, और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और यहाँ देखिए मास के लिए m लग गया, यहाँ पर भी क्या लग गया, दो ठो मास है m1 m2, तो mm लग जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, l की पावर 3 हो जाएगा, t की पावर -2 है और कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो t की पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।